अगर तुम्हें लगता है ना कि ये काम आसान है तो नहीं भैया, लग जाएंगे बढ़िया वाले। तो फिर आ गए। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग अर्बन कार्ड। फ्रीलांस एडिटर बनने के अपने ही फायदे हैं और अपने ही नुकसान हैं। ऐसे नहीं यार, थोड़ी फील लेके बात करते हैं। हाँ तो फिर इसका फायदा ये है कि हमें किसी कंपनी में हायर होने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब हम अपनी मर्जी से जब चाहे जब काम कर सकते हैं। और नुकसान तो बहुत सारे हैं, बट अगर यही काम तुमने किसी वेबसाइट से किसी क्लाइंट से लिया है तो तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उसमें तुम्हारा कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता। तुम्हें पता है एडिटर का काम ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एडिटर ना एक वीडियो को अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर अपनी जी जान की मेहनत लगा देता है, अपना पूरा दिन लगा देता है, कभी कभी एक से ज्यादा दिन भी लग जाते हैं। जितनी मेहनत वीडियो बनाने में होती है ना, उतनी मेहनत वीडियो को एडिट करने में भी होती है। मैं फर्स्ट टाइम एज अ फ्रीलांस एडिटर काम कर रहा हूँ और मुझे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कोई वेडिंग वीडियो एडिटिंग करनी है। गर्मी से ज्यादा पसीने जब छूट गए थे जब पता चला कि वेडिंग वीडियो में 3 पार्ट एडिट करने पड़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसका ट्रेलर होता है, सेकंड पार्ट में उसकी हाइलाइट्स होती है, थर्ड पार्ट में उसकी पूरी मूवी होती है। जो मैंने ट्रेलर एडिट किया था इस वेडिंग वीडियो का, उसे एडिट करने में मेरे 1 से 2 दिन लग गए, क्योंकि ट्रेलर में मोस्टली बीट वर्क होता है, सारा ऑडियो मिक्सिंग होती है और उस पर बहुत ज्यादा कट लगाने पड़ते हैं। और क्लिप्स दिखा दी तुम्हें तो तुम तो एक बार के लिए हिल जाओगे कि इतनी सारी क्लिप्स को बार बार ही देखना और उसमें से कुछ पार्ट्स को उठाना कितना मुश्किल है। अगर नहीं विश्वास तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कितनी क्लिप्स हैं। और ये सिर्फ मैंने तुम्हें अभी एक फोल्डर दिखाया, ऐसे ऐसे मेरे पास 3 फोल्डर है जिसमें इतनी ही सारी क्लिप्स है, मतलब 300 से 400 जीबी का डाटा है। तुम सोच रहे होगे कि काम इतना टाइम कंज्यूमिंग है तो पैसा भी बहुत सारा होगा, वो जब मिलेगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, तुम्हें पता चल जाएगा कितना पैसा है। इतनी सारी क्लिप्स होती हैं, एडिट करते करते दिमाग खराब हो जाता है, तो माइंड फ्रेश करने के लिए ऊपर आ जाता हूँ छत पे, थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ, भाई फ्रेश हो जाता है माइंड। बाकी नॉर्मली मैंने तुम्हें फ्रीलांस एडिटिंग के बारे में सब कुछ बता दिया है, और जैसे जैसे मैं फ्रीलांस ट्राई कर रहा हूँ मैं साथ साथ तुम्हें बताता रहूंगा। बाकी एडिटर्स की लाइफ कुछ खास होती नहीं है, बट अगर कोई एडिटर नहीं बनेगा तो तुम लोगों को वेब सीरीज, ये वीडियोज और मूवीज देखने को कहाँ से मिलेंगी। बस थोड़ी देर घूम लिए, मूड फ्रेश हो गया, ताजी हवा खा लिया, अब चलते हैं नीचे वापस उसी कमरे में बैठेंगे एडिटिंग पे। और हाँ, ये किसी की डोर आ गई है यहाँ पे, पतंग की टूट के पता नहीं कहाँ से ऊपर अटकी पड़ी है, पूरी कहाँ से आ रही है, इस मौसम में बहुत पतंग उड़ रही है। बट यार थोड़ा ध्यान रखा करो, ऐसे टूट के जानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंसिडेंट कल परसों ही वंश के साथ हुआ है, मेरे दोस्त के साथ। वो एक्टिवा पे जा रहा था और उसके यहाँ पे गले पे ऐसे ये डोर आ गई थी और उसे कट लग गया पूरा। तो जो लोग भी पतंग उड़ाते हैं थोड़ा सा ध्यान रखो यार ऐसे। बहुत सारे लोगों को जानना होता है कि फ्रीलांस एडिटर का काम कैसे मिलता है, तो जब मेरी इस काम से पहली अर्निंग आएगी तो मैं उस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि मुझे ये काम कैसे मिला था और मेरी कितनी अर्निंग हुई है, मैंने क्या क्या काम किया था, सब कुछ। फिलहाल बैक टू एडिटिंग, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगना भी। इसमें एक डिफिकल्ट चीज है यार, अगर तुम अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रहे हो तो तुम उसके अंदर सारी एडिटिंग अपनी मनमर्जी से करते हो, बट इसमें तुम अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते, जैसे तुम्हारा क्लाइंट चाहेगा तुम्हें वैसे उसे एडिटिंग करके देनी पड़ेगी। तो बहुत चीज होती है जो तुम्हें अच्छी लग रही होती है, तुम चाहते हो कि तुम वैसे ही एडिट करो, बट क्लाइंट चाहता है कि वैसे नहीं, उसे नहीं अच्छी लग रही, तो तुम्हें वो चेंज करके देनी पड़ती है बार बार। और हाँ, मुझे तुम लोगों से एक बात करनी है, वैसे मैं ये बात करना चाहता नहीं था और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं इस बात को करने में, बट मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ जो मुझे प्यार करते हैं उनको। लास्ट वीडियो में बहुत सारे लाइक आए, मुझे नहीं पता क्यों आए, क्योंकि मैंने उसमें कुछ उल्टा नहीं बोला था या फिर मैंने कुछ उल्टा किया भी नहीं था उसमें कि डिसलाइक का काम किया हूं मैंने कुछ, बट डिसलाइक तक ठीक था, लेकिन एक कमेंट आया जिसमें मुझे गाली दी गई थी और कहा था कि तू आगे से वीडियो ना बना, तो मैं उसे एक रिप्लाई देना चाहता हूं। देख यार, जो भी तू है तू फेक आईडी से आया, अगर तेरे में इतना दम होता तो तू असली आईडी से आता, बट जो भी है मुझे इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, अगर तुझे लगता है मुझे इससे फर्क पड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता, और वीडियो ना बनाने की बात जहाँ तक है तो ले बना दी। और तुम्हें एक चीज बताऊँ, ये सब तुम फोन की स्क्रीन में देख रहे हो यार, मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि लोगों के मन में इतनी हेट है क्यों। अगर उनको वीडियो में कुछ गलत लगा तो कमेंट करके बता सकते थे गलत क्या है, अगर तुम गाली ना देते और ये बताते कि उसमें गलत क्या था तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। और यार देखो, जिस जिसने डिसलाइक किया तो उसे तो पता ही होगा कि उसमें क्या गलत था, तो जरूर बताना यार तुम्हें क्या गलत लगा, मैं उसे अगली वीडियो में इम्प्रूव करूंगा ना यार। वीडियो एडिटर्स की लाइफ में ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही पूरे दिन वीडियो एडिट करो एक रूम में बैठ के, बाहर जाकर कहीं घूम आओ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर उससे ज्यादा कुछ है तो ये 2 डंबल हैं। जिम के नाम पे मैंने ये 2 डंबल तो रख लिए,
पर बॉडी के नाम पे बॉडी नहीं बनी। हाँ यार, मुझे पता है यार, तुम सब लोग जानना चाहते हो कि ये काम मिलता कैसे है, और जितना मुश्किल तुम लोग सोचते हो वो इतना मुश्किल नहीं है। ये मैं बता दूंगा तुम लोगों को उस दिन जिस दिन मेरी अर्निंग आएगी, उस दिन एक वीडियो बनाई जाएगी जिस वीडियो में सब कुछ क्लियर करा जाएगा कि मैंने काम कैसे ढूंढा था, मैंने क्या क्या काम करा और कैसे कितनी अर्निंग करी। और जहां तक रही उस कमेंट की बात, तो तुम्हें पता ही है इतना ध्यान नहीं देते यार, मैं इतना टाइम है यार, अपनी एडिटिंग करो, खुश रहो, अपना इतना अच्छा काम है, कमेंट कमेंट पे इतना ध्यान नहीं देना, जो अच्छे कमेंट करते हैं उन लोगों के ऊपर ध्यान है पूरा। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल, अगर नहीं किया तो कर लो, और फ्री है ये बिल्कुल, ठीक है। लास्ट में एक बार कहनी थी, चिल करो, मिलते हैं इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीट होने के बाद। मन का मैं साफ ना हूँ कि सतह भी घाट, करता मैं काम देसी नाम अर्बन घाट। मन का मैं साफ ना हूँ कि सतह भी घाट, करता मैं काम देसी नाम अर्बन घाट।